करते हैं बीवी की सेवा, पता चला उसने उसने मुझे मेरे मुंह पे धक्का मार के चली गई मुझे। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। अभी बज रहे हैं 7:30 और बाहर हो रही है बारिश। आज पूरे दिन बारिश दिखा रखी है। तेरे को पता पूरे दिन बारिश दिखा रखी है आज। मैं रात को सोच रहा था, मैंने कहा पूरे दिन बारिश दिखा रखी है आज कैसे। तो मछली है, तैर के आ जाइए। अच्छा मछली नहीं, सॉरी, तो वो है क्या कहते हैं, मगरमच्छ। तैर के क्यों, मिसाल कैसे दूँ? मिसाल जैसा आदमी होगा उसी हिसाब से दूंगा ना। तो बन रही है हमारी चाय, चाय खोल गई है। तो गाइस बारिश ने सुबह सुबह दस्तक दे दिया और पूरे दिन बारिश है, फिर ठंड हो जाएगी। फिर लिए मैं थोड़ा सा धूप ऊप आ रही थी, अच्छा लग रहा था। तो अभी जस्ट उठे, अब चाय वाय पीते हैं, इनको छोड़ के भी आना है। तो गाइस छोड़ के आते हैं इनको बस अड्डे पे, फिर आके मुझे बहुत सारे काम करने हैं, क्योंकि मेरे को एडिटिंग भी करनी है, क्योंकि आज मेरा ब्लॉग लेट आएगा, और नहाना धोना, पूजा वूजा सब करनी है। तो फटाफट इनको छोड़ के आते हैं, फिर काम करते हैं। दोस्तों छोड़ के आ गया हूँ मुस्कान को, बाहर बहुत ठंड हो रही है यार। वो हल्की सी बारिश हुई है तो ठंड हो गई, बारिश रुकी हुई है पर बादल लगे हुए हैं। चलो गाइस फटाफट सारे काम करते हैं। तो गाइस नहा धो लिया हूँ और नाश्ते में बनाई है आलू गोभी और रोटी, तो वो खाते हैं फटाफट। तो गाइस अभी जस्ट एडिटिंग करके कंप्लीट करके अभी बाहर आया हूँ। इतना ज़बरदस्त मौसम हो रखा है इस टाइम, बिल्कुल ब्लैक हो रखा है। बारिश तो नहीं हो रही है लेकिन बारिश का मौसम पूरा बना हुआ है। अभी जस्ट हवा बंद हुई, इतनी तेज़ हवा चल रही थी पूछो मत, मतलब कि साए साए मुझे लग रहा बारिश हो रही है। बट हाथ बिल्कुल सुन हो रखे हैं ठंड के वजह से। मस्त मौसम हो रखा है दिल्ली का, मुझे नहीं लगता, ऐसा लग रहा है कि शायद धूप कभी ज़िंदगी में नहीं आएगी। अब यहाँ बिल्कुल पहाड़ों जैसा मौसम हो रखा है। गाँव की याद आ गई, अपने उत्तराखंड हिमाचल इनकी याद आ गई। चलो गाइस अब मैं बाकी के भी अपने काम कर लेता हूँ। तो गाइस काम करके अभी जस्ट उठाऊँ, 3 बज गए। अब लंच का देखते हैं कैसे करते हैं। बिल भी आया है हमारा बिजली का, कितना तो ज़्यादा बिल आया दोस्तों, बहुत ज़्यादा बिल आया है। मैं कैसे पे करूँगा देखो, 280 रुपये सारे दिन वो चला के रखती है, क्या कहते हैं गीजर, नहीं तो 0 आता, इसकी वजह से हो गया। इससे पूछूँ तो चार से अभी करेगा लंच, बाद में करेगा 3:30 तक। हाँ अभी तो गेम खेल रहा है, 3 बजे क्लास भी होगी, 3 बजे क्लास है ना। है तो क्या होता है, होगी होगी नहीं, क्लास ले लियो ठीक है, गेम वेम का बता दूंगा फिर। नहीं तो चलो भाई मैं तो करता हूँ लंच की तैयारी। अरे मंदिर का बल्ब भी बंद करूँ, नहीं तो ये भी अननेसेसरी, भगवान जी को सोने नहीं दे रहा बल्ब हमारा। तो करते हैं दोस्तों अपने लंच की तैयारी। लंच की तैयारी है करनी, रात का था वो, क्योंकि हमने खाया नहीं था पूरा प्रॉपर दाल वगैरह। और येलो दाल है, वो 3 टाइम भी दे दोगे तो मैं खा लूँगा। तो येलो दाल है उसको करते हैं गर्म। कर लिया हमने गर्म खाना, येलो दाल और राइस। मुस्कान होती तो कटोरी में दाल देती, मैंने कहा ऐसी मांजो तो मुझे पड़ेंगे ना, उन्होंने बोला हुआ है अगर जितने बर्तन धा दो करोगे तुम मांजोगे, तो इससे अच्छा है अपन ऐसे खा लें। बाहर तो हो गया पूरा अंधेरा, अभी 3:30 हो रहा है और अभी भयानक मौसम हो गया। कपड़े उतारता हूँ मैं पहले, मेरे कच्चे अच्छे सूख रहे हैं बाहर, सूख रहे हैं बाहर। बाप रे बाप, अरे हल्की हल्की छींट पड़ रही है। गाइस इस बारिश से इतना मूड ख़राब कर दिया है, सब रेडी होकर खड़ा हो गए थे हम लोग कि पार्क में जाके एक्सरसाइज करेंगे, और मैंने पूजा वगैरह भी कर ली थी, ये देखिए दिया भी जला के, कि जल्दी में निकल के मैं एक्सरसाइज कर लूँगा। थोड़ा पार्क में जाके बारिश स्टार्ट हो गई है यार, ये ना किसी लायक नहीं। अभी तो मेरे को लग रहा मुस्कान का क्या होगा, कैसे आएगी घर, उसको भी फ़ोन मारता हूँ एक बार पूछता हूँ कि कहाँ है। कहाँ से तो बात हुई अभी, वो कह रही है वो बस में ही है, पहुँचने वाली है, लेकिन अब बारिश बहुत तेज़ हो गई है और भी तेज़ शुरू हो गई है, और अब मुझे लग रहा है वो आएगी कैसे, क्योंकि मैं लेके भी नहीं सकता, भीग जाएंगे, बारिश बहुत तेज़ है। दुखी कर दिया इस बारिश ने, पता नहीं किस टाइप की और किस टाइम की बारिश हो रही है, भगवान जाने। उफ सारा काम खराब कर दिया इसने, पता नहीं आप लोगों के यहाँ बारिश हो रही है, ससरा दिल्ली वालों के साथ ही नाइंसाफ़ी हो रही है। भाई इस बारिश ने तो हमें घर में कैद करके रख दिया है, बारिश ने किया हमें घर में कैद।
क्या रिक्शे से आई है? इतने पैसे खराब कर रही है हमारे घर के। अरे बीस रुपए खर्च करके आई है, पता है तेरे को? मोक्ष धाम, मोक्ष धाम तो मुझे चाहिए। अरे पता है मैं पैदल आ रही थी। तो बताओ क्या है यार? नहीं ठीक है, ऐसे बारिश आ रही है। टाइम पे मिल गया था रिक्शा, खड़ा था। अरे मैडम आ गई, रिक्शा चाहिए। तो मतलब उसने अंदर घुसने के 20 रुपये मांगे थे उसे। बताओ दोस्तों, गेट मतलब हमारा गेट और सामने, उसके अंदर आने के उसने 20 रुपये मांगे, तो 5 रुपये लगते हैं। कोई बात नहीं, हाँ बड़े लोग बड़ी बातें, हम बड़े पाव, हम बड़ा पाव खाते। चलो फाइनली ये पहुँच गई, अब चाय बना दो। पति का क्या कहते हैं, क्या कहते हैं वो गुलाम है ना, सारे कहेंगे पति का गुलाम। देख बीवी आती है चाय बना के पिलाता है, पति का गुलाम नहीं होता है। फिर बीवी का गुलाम, सॉरी क्या हो गया तो पति तो हो गया ये भी, ये मेरा पति हो गया एक्चुअली दोस्तों। सिद्ध एक्चुअली मैं जिम नहीं जा पाया, एक्सरसाइज करने नहीं जा पाया ना यार, मैं पार्क में, तो पार्क में कहाँ से हमारे जिम खुले होते तो हम आराम से वहाँ पे कर ले, पार्क में तो हम कर नहीं सकते प्रैक्टिस। चलो गाइस करते हैं बीवी की सेवा। तो गाइस एक्सरसाइज वगैरह तो करी नहीं है, और मौसम बाहर बारिश का है, तो मैंने इनको बोला है कि पकौड़े बना दो। कभी कभी चीट डाइट भी करनी चाहिए, तो पकौड़े बन रहे हैं ये आलू और प्याज के। मेरे को एक्चुअल में क्या हुआ, मेरा दिन में भी मन कर रहा था जब बारिश हो रही थी और काला मौसम हो रखा था बिल्कुल, फिर मैंने सोचा यार नहीं एक्सरसाइज करूँगा पार्क में जाके फिर अजीब सा होगा, पर जब मन कर रहा था ना अंदर से तो बारिश ने भी साथ दे दिया। यहाँ पे लगता है कि बारिश अच्छा हुआ आ गई। तो गाइस आ गए हमारे पकोड़े, वाह। तो गाइस हम लोगों ने जो डिस्कस किया लास्ट ब्लॉग में कि क्या हमें घर पे मेड रखनी चाहिए रखनी चाहिए, तो हम लोगों का डिस्कस हुआ है कि हम एक मेड बुलाएंगे और उसको हम डेमो के लिए रखेंगे, और उसको हम बोलेंगे हमें तुम्हारा काम पसंद आता है तो हम आगे करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। तो पता चला कि मेरे को उसके साथ काम करना पड़ रहा है, पता चला वो मुझे बता रही है साहब ऐसे करो, हाँ, वो यहाँ बैठी हुई है आरती बालती मार के, हम लोग हाँ पता चला वो मुझे ट्रेन कर गई, पता चला कि तेरे घर में एक क्या कहते हैं जीता जागता क्या कहते हैं वर्कर बन गया बंदा, सफाई कर्मचारी जो मम्मी मैं नहीं करवा सकती वो करा देगी, वो करवा देगी। दोस्तों ये तो खतरा हो गया हमारे लिए, बुलाओगे? नहीं मैं तो वैसे भी नहीं बुला सकता, मैं चाहते नहीं बुलावा, लेकिन तू चाहती है ना बुलाना। गाइस ये तो बड़ा गड़बड़ वाली बात है, वो मूवी देखी है ना अतिथि, आप अतिथि कब जाओगे, उसमें परे सावल कहता है यहाँ रह गया कूड़ा वहाँ रह गया कूड़ा, पता चला उसने मुझे मेरे मुँह पर धक्का मार के चलेगी मुझे। तो देखते हैं दोस्तों अब हम क्या कहते हैं एक बुलाएंगे डेमो के लिए और उसका काम देखेंगे वो कैसी है, तो संडे वनडे को देखते हैं उसको बुलाएंगे उसे बात करेंगे, क्योंकि हमारे पड़ोस में करती है काम तो उसी से बात करें। हैं कैसी कहेगी मेरे को, मैं ऐसी हूँ मैं, मेरे को कहाँ मारेगी मेरे को, अब वो तो उसके ऊपर डिपेंड करता है, मेरे को बदनाम कर रही तू अभी से, अभी तो आई भी नहीं है। तो गाइस आ गया हमारा डिनर, मटर पुलाव और दही, तो ये खाते हैं। तो गाइस हो गया डिनर वगैरह कंप्लीट और करते हैं अब फाइनल एडिटिंग और सोते हैं और फिर मिलते हैं आपसे एक नए ब्लॉग में, तो करते हैं इस ब्लॉग को यहीं एंड। ब्लॉग अच्छा लगा हो तो कर देना लाइक, और जो नए लोग हैं कर देना चैनल को सब्सक्राइब। चलो बाय, एंड बाहर बहुत बारिश हो रही है यार।